काटो ना पिछली पेड़ की सिर काटो। गोदाम तो क्या होता है, लिंबू पेड़ लगा के नहीं चलना है क्या? चलो तो सिर काटो, सिर काटो, सिर काटो। आ जाओ इधर आ जाओ बेटे, अब ऐसे नंबर दिखाओ यार, दिखाओ मोबाइल में, दिखाओ नाम क्या आपका? राहुल शर्मा सर। क्या नाम है? राहुल शर्मा सर। पंजाब नंबर है ना, इधर आ जाओ मेरे पास, दो तीन दोनों गाड़ी पंजाब नंबर। तेरी आई नहीं आरसी? किसी आरसी BV07 का मेन मकसद यू है, वो HSRP प्लेट्स का है। जिन लोगों ने HSRP प्लेट्स नहीं लगाई हैं उनको हम कह रहे हैं कि ये HSRP प्लेट्स जो लगाएं, इसमें एक तो इनकी गाड़ी जो है वो आइडेंटिफाई करने में हमें मदद रहती है और जो ओनर है उसको भी इसकी काफ़ी सहायता रहती है, और इसके साथ साथ जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो वायलेशन हो रही है वो भी हम साथ साथ देख रहे हैं। जो ट्रिपल सवारी है या हेलमेट नहीं पहनी है किसी ने, जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं उनको भी चलान कर रहे हैं। टोटल कितने अभी तक चलान हो गए? अभी तक हमें यहाँ पे एक घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक हमने कोई 50+ चलान और कंपाउंड कर लिए हैं, और HSRP की जो प्लेट्स के लिए वो जो फीस इन्होंने डिपॉजिट करनी थी वो भी कोई 25-30 तक हो चुकी। सर इसमें देखा गया है कि जो ओवरलोडिंग है, टिप्पर हो या ट्रैक्टर हो, काफ़ी ओवरलोडिंग देखने को मिल रही है शहर के बीच बीच भी, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ओवरलोडिंग में ऐसा है कि ओवरलोडिंग को देखने के लिए दो तीन किस्म की एजेंसी है, मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी देखता है, ट्रैफिक वाले भी देखते हैं, पुलिस वाले भी देखते हैं, और जितना भी हमारे ऐसे हो सकता है हम ओवरलोडिंग देखते हैं, और रूटीन में हम हर जगह पे मेरा जो स्टाफ है, जो एनफोर्समेंट स्क्वाड है मेरा, ERTO साहब है मेरे, इंस्पेक्टर हैं, और कई जगह पर मैं खुद भी जाता हूँ, और जहाँ पर हम वायलेशन मिलती है हम उनको चालान करते हैं, कई बार गाड़ी भी सीज करते हैं।